सिद्धपीठ शीतला धाम में शुक्रवार को कौशाम्बी महोत्सव का आगाज हो चुका है। यूपी के कौशाम्बी जिले में दोपहर करीब 12:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री ने कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ किया। आपको बता दें, अमित शाह के दौरे से पहले सपा की विधायक पल्लवी पटेल को पुलिस ने हाउस असिस्ट कर लिया था। उन पर आरोप था कि वो महोत्सव स्थल पर प्रदर्शन करने जा रही थी। कौशाम्बी महोत्सव में कड़ी सुरक्षा देखने को मिली। महोत्सव में आने जाने वाले वाहनों को 5 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया था। वहीं वीआईपी मेहमानों के बैठने की व्यवस्था भी मन से काफी दूर पर रखी गई थी। आपको बता दें, पंडाल में करीब 5,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। गृह मंत्री अमित शाह समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता उर्फ नंदी समेत कार्यक्रम के आयोजक, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और सांसद कौशाम्बी विनोद सोनकर ने कौशाम्बी महोत्सव में शिरकत की। इस कार्यक्रम की शुरुआत सुप्रसिद्ध कवि व लेखक कुमार विश्वास ने किया। अपने अपने राम नामक 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर विश्वास ने श्री राम कथा से की। समा बांधते हुए संगीत में कथा शुरू की, जिससे लोगों का हजूम उमड़ पड़ा और देखते ही देखते श्री राम के जयकारे से पंडाल गूंज उठा। डॉक्टर विश्वास ने श्री राम कथा में अपने अपने राम विचार पर भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित प्रेरक प्रसंग का वर्तमान जीवन शैली में पिरोते हुए उसकी व्याख्या की। कुमार विश्वास ने कथा आगे बढ़ाते हुए कहा, राम कथा ताली के समान है। कलयुग में स्वयं रूपी पक्षी बैठा है, वो तालियां उस स्वयं को उड़ा देती हैं। राम कथा में संजीवनी शक्ति है, इसे तो सुनने के बाद भी प्यास नहीं बुझती। राम कथा संसार का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, जिसे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। श्री राम कथा तो सभी जानते हैं, लेकिन श्री राम को कोई नहीं जानता। डॉक्टर विश्वास ने ये भी कहा कि श्री राम जी की महिमा बताना मेरे बस की बात नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान थे, लेकिन वो भी श्री राम के दर्शन तो कर सकते हैं, पर उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। उसने कहा, आप अजीब आदमी हो, अभी तुम उससे कह रहे थे चिरंजीवी भव, जीता रहे, और अभी कह रहे हो मारेगा। वो वाला ठीक था कि ये वाला ठीक है? भगवान तो करुणा करे। बोले, नहीं नहीं, पहला वाला ही ठीक था, तू जीता रहेगा। कार्यक्रम शुरू होने से पहले लोगों की भीड़ जमा रही। इसके बाद जैसे ही कथावाचक कुमार विश्वास पहुंचे, तो तालियों की गड़गड़ाहट से पंडाल गूंज उठा। इसके बाद लोग आते जाते रहे। कथावाचक कुमार विश्वास ने बताया कि कौशाम्बी में 3 दिनों तक संगीत में राम कथा होगी, जिसके पहले राम कथा को श्रवण के राम, दूसरे दिन दलितों के राम, तीसरे दिन वंचितों के राम, 3 भागों में राम कथा को पेश करेंगे डॉक्टर कुमार विश्वास। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय डिजिटल।